नंबर 14 है, इट इज अ वेरी हॉट डे, आज बहुत गर्म दिन है, आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका, तो इट सिंपल है, बीइंग अ वेरी हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट, जरूर ध्यान रखेंगे ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसमें दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग है, तो सब्जेक्ट को हम लोप नहीं कर सकते, उसे गायब नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी, इट वॉज सिंगिंग एट अ डिस्टेंस, जो कुछ दूरी पर गा रही थी, तो बहुत सिंपल, आई सॉ अ बर्ड, एडजेक्टिव उतर आएगा, इट आवाज हटा देंगे, आई सॉ अ बर्ड, मैंने चिड़िया देखी, सिंगिंग एट अ डिस्टेंस, जो कुछ दूरी पर गा रही थी, या मैंने कुछ दूरी पर गाते हुए चिड़िया देखी। क्लियर। 16, द टीचर पनिश्ड द बॉय, टीचर ने बच्चे को दंडित किया, ही फेल्ट सॉरी, वो दुखी हुआ। तो आफ्टर पनिशिंग द बॉय द टीचर फेल्ट सॉरी, बच्चे को दंडित करने के बाद टीचर को थोड़ा सा दुख हुआ। नेक्स्ट, ही सक्सीडेड, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, वह सफल हुआ, उसने इसकी आशा नहीं की, सिंपल है, एडवर्ब यूज करेंगे, ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली, वह बिना आशा के सफल हुआ। सुनील फिनिश्ड हिज वर्क, लेंदी लग रहा है लेकिन इजी है, सुनील ने काम समाप्त किया, ही वेंट टू द बाजार, वह बाजार गया, और लास्ट सेंटेंस, ही वॉन्टेड टू बाय फ्रूट्स, और वह फल खरीदना चाहता था, तीनों इकट्ठा कर देंगे तो हैविंग लगाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, काम समाप्त होने के बाद सुनील ही की जगह पर आ जाएगा, बाकी सेम, वेंट टू द बाजार, और ही वांटेड हटा देंगे, काहे के लिए गया, टू बाय फ्रूट्स, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, सुनील ही की जगह पर वेंट टू द बाजार, ही बार बार लाने की जरूरत नहीं है, ना ही वांटेड, काहे के लिए गया, टू बाय फ्रूट्स। क्लियर। नंबर 19 है, मोहन वाज एन ओल्ड मैन, मोहन एक बूढ़ा आदमी था, He was poor, वह गरीब था, He called his sons, उसने अपने बेटों को पुकारा, He wanted to advise them, और वह उन्हें सलाह देना चाहता था, तो मोहन a poor old man, चाहे तो मोहन an old poor man भी कर सकते थे, called his sons, अपने बेटों को पुकारा, to advise them, उन्हें सलाह देने के लिए। Next, last है, सबसे बड़ा है और most important, it was a fine evening, अच्छी शाम थी, सुहानी शाम थी, खूबसूरत शाम थी, इट वॉज समर सीजन, ये गर्मी का मौसम था, ही वेंट टू द फील्ड, वह खेतों में गया या खेत में गया, ही वॉन्टेड टू रन अ रेस, वह एक रेस करना चाहता था, हिज ब्रदर्स ऑल्सो रन विथ हिम, और उसके भाई भी उसके साथ थे, कैसे देखिए किया, इट बीइंग अ फाइन समर इवनिंग, यहां से समर उठाया, इवनिंग में लगाया, सीजन लगाने की जरूरत नहीं, जब समर के साथ इवनिंग आ गया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, इट बीइंग अ फाइन इवनिंग ऑफ समर सीजन, ठीक है। देन दूसरा सेंटेंस लिया, ही सब्जेक्ट उठाया कॉमा लगाने पर, ही एंड हिज ब्रदर्स, यहां विद भी लगा सकते थे, मैंने दोनों लिख दिए हैं, तो अगर इस विद को कंसीडर करें तो विद लगा दीजिए, अदरवाइज एंड से भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ही एंड हिज ब्रदर्स या ही विद हिज ब्रदर्स वेंट टू द फील्ड, खेतों में गए, टू रन अ रेस, रेस करने के लिए निशान लगा दिए, फाइन भी ले लिया, समर भी आ गया, वेंट भी आ गया, रन अ रेस भी आ गया, और साथ में ब्रदर्स भी आ गए, तो है ना ये इंटरेस्टिंग दोस्तों, अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लगे, ये कोशिश आपको अच्छी लगे, तो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, मैंने हमेशा कोशिश की है उनका जवाब देने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।